अगर आप एक स्नैपचैट यूजर हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पे एक पब्लिक इमेज नाम का भी ऑप्शन होता है, मतलब एक पब्लिक अकाउंट। तो इसके लिए यहाँ पे आप स्क्रीन पे आ जाओ। सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है और ये देखो मेरी आईडी आपको दिख रही है, आप फॉलो कर सकते हो। मतलब हम लोग स्ट्रिक्स मेंटेन करते हैं, मैं तो करता ही हूँ भाई, 200-300 की स्ट्रिक्स बना रखी है, तो आप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे नीचे जाना है और क्रिएट पब्लिक प्रोफाइल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे यही बताएगा कि आपका जो नाम है वो यूज होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। और क्रिएट करने के बाद ये देखो ऑलरेडी मेरा एक क्रिएट हो जाएगा मेरे नाम से। यहाँ पे मेरी प्रोफाइल बन चुकी है, तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरा नाम वो सब दिखा देगा। एडिट प्रोफाइल में जाके मुझे जो अपना चेंजेस करना है वो कर सकता हूँ। सब्सक्राइबर अकाउंट भी हो गया, जो मेरी मर्जी है प्रोफाइल भी ऐड कर सकता हूँ। इसने मेरा नाम ही सिलेक्ट किया तो यही नाम रहने दूंगा फिलहाल। और यहाँ पे मैं प्रीव्यू करके अपना प्रोफाइल देख भी सकता हूँ। अगर आपको इसमें मतलब जो भी अपलोड करना है कैसे, तो फिर ये देखिए यहाँ पे क्लिक करो और जो आपको है स्नैप्स जितने भी आपने लिए है कोई भी एक वो स्नैप सिलेक्ट कर दो। यहाँ पे फिलहाल मुझे कोई स्नैप नहीं दिखा रहा क्योंकि मैंने अभी तक स्नैप खींचा नहीं है प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद। यहाँ पे स्पॉटलाइट है जहाँ पे मेरी मतलब पुरानी ये सब फोटो है जो मैंने डाली थी, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है और ये आपके लिए इमेज क्रिएट करवा देती है, लोगों को सजेशन में आती है, मैप में आता है और एडवांटेज है, तो यूज जरूर करना।